बैठ जाता हूँ यूं अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। चलना मुझे पसंद है, रुकना मुझे ना पसंद है, क्योंकि चलता ही जाता हूँ, क्योंकि रास्ते का एक मुसाफिर हूँ मैं। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी किसी से मत पूछना कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ये इस सवाल का जवाब जो है आपको खुद ही पता होता है, आपके अंदर होता है। बस आपको एक शांत दिल से, शांत मन से यह सोचना होता है कि आपको क्या करना है और आगे क्या करेंगे आप। दोस्तों, लोग यूं ही मिलेंगे आपको, यूं ही मिलेंगे रास्तों में, जिसे देखकर आप हंसोगे, हो सकता है आप रोगे भी, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकना चाहिए। ज़िंदगी हर पल एक मुकाम पर लाकर खड़ी कर देती है, जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक करूँ या ना करूँ, पर एक हिम्मत और जुनून कर रखने वाले व्यक्ति ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी सफ़र है एक राह का, जो कभी अंत नहीं होता, और वही पार लगा जाते हैं जिनकी जिनमें हुनर और काबिलियत होती है। यूँ देखता हूँ मुड़ के जब पीछे मैं, तो एक लकीर सी बन के चली आती है। मैंने सोचा कि शायद ये मेरे पैरों का निशान है, लेकिन मैंने सोच फिर यह अंदाज़ा हुआ, यही तो मेरे कर्म थे जो अभी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, किसी को देखने या ना देखने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब मेरे अंदर वो काबिलियत रहती ही नहीं पहले। कुछ करना है तो दिल जान लगा के करो, ऐसा करो कि देखने वाले भी तंग रह जाए। कुछ भी करो, खामोशी से करो कि लोग देख कर ही आपको हैरान हो जाए। क्योंकि दोस्तों, सूरज जब निकलता है तो छोटा देखने में लगता है, लेकिन जब उगता है तो सारे ब्रह्मांड को प्रकाशमय बना देता है। ज़िंदगी भी इसी का एक नाम होता है। नाम तो बहुत छोटा होता है, लेकिन कर्म बहुत बड़े होते हैं। दोस्तों, कुछ करना है तो ऐसा करो कि पहाड़ भी छोटा पड़ जाए और आसमान भी छोटा लगने लगे, और धरती आसमान एक कर दो, और खूब मेहनत करो, क्योंकि बिना कोई कुछ किए बिना महान नहीं बनता। दोस्तों, तुम्हें चलते ही जाना है, चलते ही जाना, क्योंकि तुम्हारी कोई मंजिल का अंत नहीं है। क्योंकि तुम्हारी सोच ही बहुत बड़ी है, इसलिए तुम्हारा अंत भी बहुत बड़ा होगा। दोस्तों, टेंशन मत लो, आगे बढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, जरूर एक दिन तुम्हें कामयाबी मिलेगी। क्योंकि इसकी टेंशन मत लो, क्योंकि कामयाबी ही तुम्हारी कदम चूमेगी, यही तुम्हारा भविष्य, यही तुम्हारा लक्ष्य है। जब तुम उदास हो तो अपने लक्ष्यों को याद करो और ध्यान में करो तुम्हें क्या करना है। जब तुम्हारा मन गलत कामों की ओर जाए तो अपने घर वालों को याद करो, उनके मेहनत को याद करो, क्योंकि इसी प्रकार तुम्हें कामयाबी मिलेगी। इंजॉय करो, मस्त रहो, आगे मिलते हैं।